नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। लायंस क्लब ग्वालियर द्वारा जिला अस्पताल मुरार पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। इसी दौरान पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल एवं जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर आलोक पुरोहित विशेष रूप से मौजूद रहे। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाड़ा इधर देखो, बिता नहीं मत देखो। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश मित्तल, लॉयंस क्लब ग्वालियर का अध्यक्ष हूँ मैं। लॉयंस क्लब ग्वालियर लगभग 60-61 साल से ग्वालियर शहर में परेशान जो जनता है उसकी काफी मदद कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉयंस क्लब ग्वालियर का सबसे पुराना 61 साल पुराना क्लब है। इसकी स्थापना महाराजा सिंधिया जी के द्वारा की गई थी। उसमें शहर के सभी प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं और 61 साल से निरंतर सेवा कार्य में इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ग्वालियर में मुरार में आपके द्वारा क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज लॉयंस क्लब ग्वालियर द्वारा 100 कंबल मुरार चिकित्सालय में जो है दिए जा रहे हैं, जो हमारे मरीज हैं और उनके अटेंडर हैं, उनको जो है सर्दियों से भीषण सर्दी में बचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिससे क्या है कि हमारे पेशेंट और उनके अटेंडर परेशान नहीं हो। सर, ये काफी सराहनीय आप कार्य कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जीवन में ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है सर? ये सर जो है प्रेरणा ईश्वर से ही मिलती है, और सभी लोगों से देखते हैं तो जो है कहीं ना कहीं हमारे राजनेता हैं, सभी लोगों से प्रेरणा मिलती है कि आज जो है हम मनुष्य जीवन लिया है तो धरती पर जो है जो अपने से मतलब सक्षम नहीं है उसको जो है सेवा कार्य करने का एक माध्यम है, उसको करना चाहिए हर आदमी को। आप जब तक यहाँ ग्वालियर शहर में हैं और काफी लंबे समय से आप ये सेवा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने इससे पहले यहाँ इस तरह की आयोजन की? हमने सेवा कार्य पिछले जो है 61 साल से कर रहे हैं। इस साल एक साल पहले मैं अभी जो है 6 महीने पहले यहाँ का अध्यक्ष बना हूँ। तो हमारा जो है फूड फॉर हंगर के तहत करीब हमने 35 फूड फॉर हंगर जो है GAH के अंदर लगभग 400-500 जो है एक बार में हम जो है उनको जो उनके मरीज हैं उनके अटेंडरों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाते हैं अभी लगातार।